मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की जान को खतरा, और ये खतरा जेल में पत्नी से हुई मुलाकात के दौरान बताया अपनी जान को खतरा। मुख्य न्यायाधीश और शासन से पत्नी ने सुरक्षा मांगी है, तो डॉक्टर कफील की पत्नी ने जेल में सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है। मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजी जेल को ये पत्र डॉक्टर कफील की पत्नी की तरफ से लिखा गया है। तो आपको बता दें कि जब डॉक्टर कपिल की पत्नी जेल में उसे मुलाकात करने पहुंची तो उस दौरान डॉक्टर कपिल ने अपनी जान को खतरा जताया था, जिसके बाद अब ये पत्र लिखा गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, डॉक्टर कपिल की पत्नी ने डॉक्टर कपिल की जान को खतरा बताया। देखिए, बिल्कुल, डॉक्टर कपिल पिछले 13 फरवरी से मथुरा जेल में बंद है, उन पर NSA लगाया गया था, उसी के चलते जेल में बंद है। अभी हाल ही में डॉक्टर कपिल की पत्नी साविस्ता खान ने डॉक्टर कपिल से मथुरा जेल में मुलाकात की थी। जैसे कि साविस्ता खान ने जो पत्र लिखा है डीजी जेल को, अपर मुख्य सचिव गृह को, साथ ही साथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो डॉक्टर कपिल है उनसे मुलाकात हुई थी उनकी, और उन्होंने जेल में अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद साविस्ता खान ने ये सभी पत्र लिखे हैं। लेकिन फिलहाल जेल अधिकारियों की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जेल में उनकी पहली बार से उनकी जान कोई भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद है। फिलहाल जेल में जो सुरक्षा की मांग की है साविस्ता खान ने उसको साफ तौर पर दरकिनार कर दिया है, क्योंकि जेल अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जेल में किसी भी प्रकार किसी भी कैदी को सुरक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसके चलते सुरक्षा के निर्देश के साथ ही साथ फिलहाल जेल अधिकारियों का ये साफ तौर पर कहना कि कपिल की जान को खतरा नहीं है। लेकिन साविस्ता खान जिस तरह से लगातार पत्रचार कर रही है उनमें अपने पति डॉक्टर कपिल की जान को खतरा बताया है। बिल्कुल, अब यहाँ पर गगन पत्र लिखकर जान का खतरा को लेकर सुरक्षा की मांग यहाँ पर की गई है। अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी भी डॉक्टर कपिल की हुई थी उस दौरान वो मीडिया से मुखातिब करते होते हुए नजर आए, तो उनकी तरफ से भी ये शक, लेकिन अब जिस तरह से जान को खतरा बताया गया, इसके पीछे का आधार क्या, पत्र में क्या कुछ वजह बताई गई है, किसी और इशारा? गगन, देखिए, जब डॉक्टर कपिल को मुंबई से UPSC से गिरफ्तार किया था और उन्हें यूपी लाया जा रहा था, तभी उन्होंने मुंबई में कह दिया था कि उनकी जान तो खतरा है, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी जान लेना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है, इसीलिए वो मुंबई में रहना चाहते हैं, मुंबई किसी भी जेल में बंद कर दिया जाए, यूपी ना लिया जाए। उसके बाद अब जब यूपी में उनको लाया गया और मथुरा जेल में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद लगातार डॉक्टर चलेगा। गगन, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।